और बड़ी खबर, आईटी छापे के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है रायपुर से। खबर आपको बता दें, गांधी मैदान में कांग्रेस की सभा, कई विधायक और महापौर मौजूद हैं। आपको बता दें, आयकर भवन कार्यालय का घेराव करने निकले हैं कांग्रेसी। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आईटी छापे के विरोध में कांग्रेस की सभा। यहां पर आपको बता दें, मैदान में जो है सभा कांग्रेस की जारी थी, जहां पर प्रदर्शन देखा जा रहा है। तो तस्वीरें, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी यहां पर मौजूद है, तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। रायपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आईटी छापे के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल यहां पर जारी है, प्रदर्शन यहां पर जारी है और तमाम कार्यकर्ता, दिग्गज नेता यहां पर मौजूद है। गांधी मैदान में कांग्रेस की सभा जो है यहां पर हो रही थी। रायपुर में पड़े आईटी छापे के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन अभी भी जारी है। गांधी मैदान में कांग्रेस की सभा चल रही थी, जिसमें कई विधायक और महापौर मौजूद हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता आयकर भवन कार्यालय का घेराव करने निकले थे, उनके साथ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में पिछले 48 घंटे से जो है ये प्रदर्शन चल रहा है। इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई जो है यहां पर लगातार चल रही है, जिसको लेकर के कांग्रेसी प्रदर्शन करने निकले हैं। गांधी मैदान में कांग्रेस की सभा होने जा रही थी, जहां पर कार्यकर्ता कई तमाम दिग्गज जो यहां पर मौजूद हैं, महापौर मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं और प्रदर्शन जो है कांग्रेसियों का यहां पर लगातार जारी है। बता दें, मध्य प्रदेश और दिल्ली से जो टीमें आई हैं, उनका लगातार यहां पर जांच की जा रही है और अधिकारी को टीम जो यहां पर पहुंची है, वहां पर डेरा डाला गया है और लगातार जांच की जा रही है, जिसका विरोध जो है कांग्रेसी अब कर रहे हैं। आईटी का छापा डाला गया है। गांधी मैदान में कांग्रेस की सभा चल रही थी और उसी दौरान जो है कांग्रेस अब प्रदर्शन करने यहां पर जुटे हैं। साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद हैं, उन्हें साफ तौर पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से हल्ला बोल कर रहे हैं। यहां पर कई कार्यकर्ता, महापौर यहां पर मौजूद हैं, मोहन मरकाम भी यहां पर मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं। आईटी छापे के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। तमाम चीजें इसमें निकल करके सामने आई, तरह तरह की चीजें निकल करके सामने आई और अब जो है प्रदर्शन और बढ़ता जा रहा है। लगातार अभी भी कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश और दिल्ली से टीमें आई हैं, जो ये जांच कर रही हैं और जिसका कांग्रेस अब विरोध कर रही है। यहाँ पर हल्ला बोल कर रही है, पुलिस वाले साफ तौर पर इन्हें रोकने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। जुड़ गए हैं हेमंत। कार्रवाई की गई, तमाम चौंकाने वाली चीजें सामने आई, अब किस तरह की चीजें निकल करके सामने आ रही हैं? हेमंत, सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। रायपुर के से लाइव तस्वीरें आई थी छापे के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन यहां पर जारी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ता, महापौर और सभी लोग कांग्रेस के यहां पर मौजूद हैं, हल्ला बोल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हेमंत हमारे साथ जुड़ गए। हेमंत, कार्रवाई लगातार जारी, 48 घंटे बीत चुके हैं, चौंकाने वाली तमाम जानकारियां सामने आई, अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आईटी छापे के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। गांधी मैदान पर पहले एक सभा हुआ, वहां पर प्रदर्शन हुआ। तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, पीसीसी अध्यक्ष भूपेश, माफ करिएगा, मोहन मरकाम, इसके अलावा जो विधायक धनेन्द्र साहू,
तमाम जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने पहले वहां पर संबोधित किया, उसके बाद यहां पर आयकर दफ्तर का घेराव करने जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर निकले हुए हैं। एक बड़ा सा बैरिकेड यहां पर ताली मंदिर के पास लगाया गया था जो आयकर दफ्तर से करीबन 200 मीटर की दूरी पर है, लेकिन उस बैरिकेड को यहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उन्होंने तोड़ दिया है और बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है बैरिकेड को लांग कर उस पार चले गए हैं, यानी दफ्तर है जो आयकर का दफ्तर है उसके करीब पहुंच गए हैं। तो कार्यकर्ताओं की संख्या काफी अधिक थी ऋतु, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो पुलिस की संख्या उतनी नहीं थी, पुलिस की संख्या 100-150 के आसी पास है, और कार्यकर्ताओं की संख्याओं की बात की जाए तो करीबन 2 से 3 हजार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो बैरिकेड को तोड़कर यहाँ पर उस पार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो चले गए हैं, और जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से कार्रवाई चल रही है आयकर विभाग की उसके खिलाफ ये पूरा जो विरोध प्रदर्शन है। बड़ी तादाद में यहाँ पर हेमंत कार्यकर्ता महापौर कार्यकर्ता मौजूद है, महापौर भी मौजूद है। यहाँ पर हम महिलाओं को तस्वीरों में देख रहे हैं ऊपर चढ़ती हुई नजर आ रही, ये महिलाएं कौन है? देखिए तमाम जो महिला आपको तस्वीरों में देख रही होगी ये महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, क्योंकि महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल हुई थी, और एक तरीके से देखा जाए तो एक गुस्सा मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लगाया था कि द्वेषपूर्ण रवैये अपना कर यहाँ पर मोदी सरकार इस तरीके से कार्रवाई कर रही है, जो केंद्र के आयकर विभाग के अधिकारी हैं उनको यहाँ भेज रही है, तो उनका सीधा सवाल यही था कि 36 से 40 घंटे हो गए हैं कार्रवाई को, ना किसी राज्य प्रशासनिक के जो अधिकारी हैं उनको सूचना दी गई। सत्ता में आई कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आई, आखिर किस बात का डर है जो लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए सबसे बड़ा सवाल है आखिरकार कांग्रेस को डर क्यों है, लेकिन जब यही सवाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से किया गया तो उन्होंने कहा कि ना लगातार जो सफलता कांग्रेस को मिल रही है, चाहे वो विधानसभा का उपचुनाव हो, चाहे नगर पालिका नगर निगम का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत और जनपद जो पंचायतों का चुनाव हो, लगातार सफलता जो मिली है उसी से बौखलाकर केंद्र सरकार के द्वारा इस तरीके से जो कदम है वो उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले दिल्ली जाने वाले थे लेकिन उनका भी कंफर्मेशन नहीं आया है। दिल्ली में भी जो प्रदेश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो प्रवक्ता हैं आनंद शर्मा उनके द्वारा भी वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो पूरे तरीके से अभी जो मुद्दा है छत्तीसगढ़ का वो अब देशव्यापी मुद्दा बनता जा रहा है। निश्चित तौर पर देश में इस कार्रवाई को लेकर बवाल मचना अब लाजमी है। चलिए लगातार बने रहिए हेमंत, दर्शकों को लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरह से हल्ला बोल यहाँ पर किया जा रहा है, और बड़ी तादाद में पुलिस बल भी तैनात है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मामला है शांत हो सके। लाइव तस्वीरें रायपुर से जहां पर आयकर विभाग की लगातार कार्रवाई जारी है और जिसको लेकर के कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं।
चुनौती देते हुए पुलिस वालों को ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। जो बैरिकेड्स यहाँ पर लगे हुए बैरिकेड्स पर चढ़कर कार्यकर्ता किस तरह से यहाँ पर कर्तव्य दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से उत्पात यहाँ पर मचाया जा रहा है। किस तरह से यहाँ पर बैरिकेड्स पे ये कार्यकर्ता चढ़ गया है और यहाँ सब नारे लगा रहा है। साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से शेड्स जो है यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जो शेड्स वहाँ पर रखे हुए हैं लोहे के शेड्स वो भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है। कैमरामैन वहाँ पर मौजूद है, कैमरामैन को भी धक्का देते हुए ये नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखिए आप किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का उत्पात जो है लगातार जारी है और पुलिस कोशिश लगातार कर रही है इस माहौल को ठंडा करने की, पर कार्यकर्ता है मान ही नहीं है। लाइव जरूर है लेकिन कैमरे घुमाते रहना। अरे यार धक्का मुक्की करते ये कार्यकर्ता साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। किस तरह से पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ रहे, उन्हें भी धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें वैसे तो ये इनकम टैक्स की कार्रवाई प्रदेश के कई जिलों में चल रही है, पर लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है वो रायपुर के भिलाई से सामने आया और तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है किस तरह से कार्यकर्ता उग्र हो गए हैं और ऐसी तस्वीरें देखी जा सकती है। और लाइव हमारे साथ हेमंत वहां से जुड़ गए। हेमंत, क्या कुछ साझा अपडेट्स, किस तरह का माहौल देखा जा रहा है, क्या कार्यकर्ता कह रहे हैं वहां पर, और पुलिस वाले जिस तरह से आपने बताया कि पुलिस वालों की कमी वहां पर है, किस तरह का नजारा, क्या कुछ कहना बताइए। देखिए ऋतु, आईटी छापे के खिलाफ जो पूरा प्रदर्शन है वो कांग्रेस का चल रहा है। आयकर दफ्तर का घेराव की जो प्लानिंग है वो कांग्रेस की बनी थी और काली मंदिर के पास बैरिकेड लगाकर यहाँ पर पुलिस खड़ी हुई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उस बैरिकेड को कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने तोड़ दिया और तोड़ने के बाद वो आयकर दफ्तर की तरफ बढ़े हैं, क्योंकि जहां पर बैरिकेड लगाया गया है वो आयकर दफ्तर की दूरी मात्र 200 मीटर के आसपास है और पुलिस की ये पहले से प्लानिंग थी कि यहां पर बैरिकेड लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका जाए, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से इसमें नाकाम साबित हुई और कार्यकर्ताओं की जो संख्या थी कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं की वो पुलिस पर भारी पड़ी और बैरिकेड को तोड़कर जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आयकर दफ्तर की तरफ बढ़े हैं। हालांकि जैसे ही कार्यकर्ता उस तरफ बढ़े तो पुलिस के जो जवान हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो भी उनके पीछे गए हैं, लेकिन अभी भी जो ताजा तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार झूमा झटकी यहाँ पर पुलिस के जवानों से हो रही है और जिस तरीके से पिछले दो दिनों से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आईटी की कार्रवाई चल रही है उसी का पूरा विरोध हो रहा है। दिल्ली में भी जो कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है आनंद शर्मा, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की है। तो पूरी तरीके से अब छत्तीसगढ़ की जो कार्रवाई हो रही है आईटी की राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम अपने मंत्रियों के साथ कल वो राजभवन पहुंचे थे, राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की थी और वहाँ पर राजपाल से ये शिकायत की गई थी कि आरक्षण करने की कोशिश यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। इधर का आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल लगाया था। इस तरीके से सफलता लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिल रही है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का उपचुनाव है या नगर निगम का चुनाव हो। इसीलिए लगातार भाजपा के जो
नेता है वो बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट का नतीजा उनमें साफ दिख रहा है और उसी बौखलाहट की वजह से इतनी बड़ी जो कार्रवाई है आईटी की वहाँ पर हो रही है। ये देखिए, इसके अलावा यहाँ पर जो महिला पुलिस है वो महिला कार्यकर्ताओं को संभालने में लगे हुए हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से जरूर बातचीत करना चाहेंगे, वो कुछ दूरी पर यहाँ पर हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं की संख्या यहाँ पर काफी है, कोशिश करेंगे ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं चाहूंगी आप पूछिए, सीबीआई की टीम ने भी जो हेमंत, अब सीबीआई की टीम ने भी रायपुर का रुख कर लिया है। भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहना है कि असर करना चाहती है, ये पूरे जो तमाम चीजें हो रही है असर करने की सरकार को कोशिश है। तो क्या लगता है, जिस तरह से भूपेश बघेल का कहना है कि वो दिल्ली रवाना होंगे और इजाजत लेंगे कि सीबीआई इसमें दखल ना दे, क्या लगता है ये सवाल कीजिए उनसे। देखिए, निश्चित तौर पर पीसीसी अध्यक्ष यहाँ पर मोहन मरकाम नजर आ रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि वो लगातार कार्यकर्ताओं के आसपास ही घिरे हुए हैं। लेकिन कुछ कांग्रेस के विधायक और नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं, गिरीश देवांगन है, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका कुछ क्या कहना है कार्रवाई को लेकर। गिरीश देवांगन से बातचीत करना चाहेंगे, गिरीश देवांगन जी का क्या कहना है। गिरीश जी, एक एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप लोग यहाँ पर? जो मोदी राज का जो तांडव चल रहा है पूरे देश में, इसके विरोध में हम लोग आए हैं कि यदि लोकतंत्र की हत्या है, कि यदि कोई पार्टी सही काम कर रही है उसके बाद भी ये लोग इस प्रकार का काम करने नहीं दे रहे हैं, और जो लोग इस प्रकार की जो गुंडागर्दी और इस प्रकार के जो हालात पैदा कर रहे हैं, ये जानबूझ के आग भड़काने का काम है। रायपुर के पूर्व महापौर हमारे साथ रितु, उनसे बातचीत करते हैं। एक बड़ा प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिस तरीके से अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, लगातार आरोप लगाया जा रहा है भूपेश बघेल के द्वारा। 28 राज्यों में चाहे हम वित्तीय स्थिति की बात करें, यहाँ के व्यापारी खुश हैं, यहाँ के किसान खुश हैं, यहाँ के आम लोग खुश हैं। लगता है केंद्र सरकार को ये बात पच नहीं रही है। जिस प्रकार से लगातार एक माह में दिल्ली को अस्थिर करके वहाँ जिस प्रकार से गोली चलवाई गई, 43 लोगों की मौत हुई, मुझे ऐसा लगता है कि स्थिर सरकार को अस्थिर करने का इन लोगों ने बीड़ा उठाया है। भूपेश बघेल जी की सरकार राज्य में काम कर रही है तो आईटी और ईडी के द्वारा 3,000 करोड़ का टारगेट दिया जाता है। कोई ट्रैफिक पुलिस है क्या जो टारगेट देके चालान करेगी? यहाँ आपके पास पूरी आपकी इंटेलिजेंस है, आपका पूरा सिस्टम है, और यहाँ आकर वो न डीजीपी को खबर कर रहे हैं, न पुलिस को खबर कर रहे हैं। संघीय व्यवस्था में, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में केंद्र की सरकार होती है, उसके अपने कानून होते हैं, राज्य के अपने कानून होते हैं, नगरीय निकाय के अपने कानून होते हैं, लेकिन तीनों अपनी व्यवस्थाओं में एक दूसरे को गुड फेथ में लेकर काम करते हैं। आपको कहां जापा मारना है ये भूपेश बघेल जी नहीं पूछ रहे थे, या यहां की सरकार नहीं पूछ रही थी, या मोहन मरकाम जी नहीं पूछ रहे थे, लेकिन यहां की पुलिस को खबर तो होनी चाहिए कि आप जहां भी जा रहे हैं। कल के दिन उन अधिकारियों के साथ कुछ हो गया तो आरोप किसके ऊपर लगेगा? भूपेश बघेल जी के ऊपर लगा देंगे, एक नया आरोप लगा करके राज्य को फिर से अस्थिर करने की कोशिश। बीजेपी का ये कहना है कि 3/4 बहुमत सरकार के पास है, उनको क्यों डर लग रहा है कि उनको अस्थिर किया जा रहा है? डर नहीं लग रहा है, 495 अधिकारी और कर्मचारी यहाँ आए हैं, वो किसकी सुरक्षा में आए हैं? कल के दिन अगर उनके साथ कुछ हो गया तो आरोप किसके ऊपर लगाएंगे? यहाँ सरकार के ऊपर आरोप लगा देंगे एक मिनट के अंदर। आखिर इसका जवाबदेही है किसके पास? आप ये पूछे ना कि इतने अधिकारी आए हैं, इतने कर्मचारी आए हैं, वो किसकी सुरक्षा में आए हैं? जब तक राज्य की सुरक्षा नहीं होती, छापा कहाँ मार रहे हो, इससे कोई किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये पहली बार नहीं हो रहा है एक साल में, कई बार ऐसे छापेमारी की कार्रवाई हुई है किसी भूपेश बघेल की सरकार के रहते, लेकिन कभी ऐसी दंगे फैला के या इस तरह का उत्पात मचा के क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? शांति प्रदर्शन भी तो हो सकता है, जिस तरह से यहाँ पर उत्पात मचा रहे हैं कार्यकर्ता, ऊपर चढ़ रहे हैं, बैरिकेड हटा रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, बाकी से किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? आज जो कार्रवाई हुई है, एक बड़ा प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, क्या नहीं लगता कि एक शांत तरीके से प्रदर्शन किया जा सकता है? आखिरकार जरूरत क्यों पड़ रही है एक आक्रामक तरीके से प्रदर्शन करने की? ये कोई अशांत टाइप का प्रदर्शन नहीं है। आप देखिए, कहीं स्वाभाविक तौर पर जब कार्यकर्ता होते हैं तो इस प्रकार के छोटे मोटे प्रदर्शन हो जाते हैं, कोई फायर ब्रिगेड से उसका काम नहीं हो रहा है, कोई हथगोले नहीं चल रहे हैं,
यहाँ एक बड़ा ऑफिसर दिल्ली में 4 दिन तक नाले में पड़ा था, और यहाँ प्रदर्शन की बात कर रहे हैं जो लोग, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उनके अधिकारी यहाँ हैं, भगवान न करे कुछ हो जाए। एक हमने हाथ देखा एक बड़े अधिकारी का, उसको तो बचा नहीं सके, यहाँ किसकी सुरक्षा कौन रहेगी? कल के दिन जिस प्रकार से दिल्ली की राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं, उसी प्रकार भूपेश बघेल जी की सरकार के ऊपर आरोप लगा देंगे। इस आरोप की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर संघीय व्यवस्था में राज्य की चुनी हुई सरकार है, इस चुनी हुई सरकार, स्थिर सरकार, इस स्थिर सरकार, अब भूपेश बघेल जी को लंदन में बुलाया जा रहा है या अमेरिका में बुलाया जा रहा है, तो उनकी छवि बढ़ रही है, वो शायद पच नहीं रहा होगा कि एम्ब्रॉड में जाकर के अगर भूपेश बघेल जी वहां राज्य की अगर बात करते हैं तो वो तो देश का भला हो रहा है, देश के भला की बात कर रहे हैं वो, लेकिन इनसे पच नहीं रहा है शायद, ऐसा लगता है। तो कांग्रेस की सरकार जहां जहां है, केवल यही नहीं, जहां जहां सरकार गैर भाजपा की है वहां इस प्रकार के कृत्य आपको लगातार देखने को मिल रहे होंगे। अब दिल्ली का एपिसोड बंद हुआ, छत्तीसगढ़ का एपिसोड शुरू, 7-8-10 दिन यहाँ एपिसोड चलाएंगे, उसके बाद जहाँ चुनाव होगा बिहार चले जाएंगे, उसके बाद वेस्ट बंगाल में चले जाएंगे। ये अपना पूरा कैलेंडर बनाकर रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता होते हैं, वो कैलेंडर के अनुसार काम करते हैं। देखिए, सीधा सा कहना है प्रमोद दुबे का और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनका कहना है। एक और सवाल कीजिए उनसे, भिलाई का रुख जिस तरह से सीबीआई ने कर लिया है और जिस तरह से भूपेश बघेल जो हैं दिल्ली जाने वाले, दिल्ली का रुख करने वाले और प्रदेश में सीबीआई पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुके हैं, तो क्या वाकई ये प्रतिबंध को हटाया जाएगा? देखिए, सीबीआई को लेकर यहाँ पर प्रतिबंध है और ऐसी जानकारी नहीं है कि सीबीआई को प्रतिबंध यहाँ हटाया जाएगा। हालांकि अनौपचारिक तरीके से इस पूरी कार्रवाई में सीबीआई जरूर है, लेकिन सीबीआई का कोई भी अधिकारी छत्तीसगढ़ में मौजूद नहीं है। इसके अलावा आयकर विभाग के अधिकारी, जीएसटी के अधिकारी, एफटीआई के अधिकारी, जो तमाम जो एजेंसियां हैं उसके अधिकारी यहाँ पर है, लेकिन सीबीआई के कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि सीबीआई को पहले से ही, जब से कांग्रेस सरकार यहाँ पर है, बैन किया गया है। जो भिलाई की ओर रुख किया गया है उसको लेकर हम जरूर कुछ कांग्रेस नेताओं से सवाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई अभी कांग्रेस के जो नेता हैं वो मौजूद नहीं है, सब अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पर इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तब भी कुछ विधायकगण हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कुंवर सिंह निषाद जो हैं गुंडरदेह के विधायक, उनसे बातचीत करते हैं, काफ़ी लोकप्रिय विधायक हैं। एक चीज बताइए, रायपुर के बाद जगदलपुर के बाद लगातार दायरा जांच का आयकर विभाग का बढ़ता नजर आ रहा है, भिलाई तक अब जांच पहुंच गई है, क्यों ऐसा डर आप लोगों को आखिरकार लग रहा है? कार्रवाई एक तरीके से रूटीन प्रक्रिया होती है, लेकिन आखिरकार डर क्यों है आप लोगों को? डर हमारे में नहीं है, डर मोदी और अमित शाह में है, जो आज भूपेश बघेल की सरकार को डर गए। एक साल के कार्यकाल की उपलब्धि, जो किसानों के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए जो काम किया है, और निश्चित ही आपने देखा एक साल भर में भूपेश बघेल की सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन, जो बातें की हैं, उसके खिलाफ तो निश्चित ही है सरकार को डराने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। भूपेश बघेल की सरकार डरने वाली नहीं है, आज वो जितना भी डराने की कोशिश कर ले उतना ही ज्यादा आज कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता भूपेश बघेल जी के साथ खड़े, पार्टी के अध्यक्ष हमारे मोहन मरकाम जी के साथ खड़े, इसका खामियाजा निश्चित ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भुगतना पड़ेगा। आगे रुख क्या रहेगा? अब तो आज आपने प्रदर्शन कर लिया है, आगे क्या रुख होगा? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार लीगल एक्सपर्टों की राय लेगी इस पर। बिल्कुल, पार्टी के जो दिशा निर्देश होगा, हमारे मुखिया का जो निर्देश होगा, हमारे प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष का जो भी निर्देश होगा, पार्टी उसके हिसाब से काम करेगी, सरकार उसके हिसाब से काम करेगी। तो एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा ऋतु, अब जो कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में महिला यहाँ पर कार्यकर्ता दिख रही हैं, वो अब जहाँ पर बैरिकेड लगा था उससे अब वापस यहाँ पर कांग्रेस भवन की ओर जा रही हैं। अब लगभग ये कहा जाए कि कांग्रेस का ये जो घेराव था वो अब लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन एक अब बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस का हुआ है और तरीके से इसे सफल प्रदर्शन कहा जा सकता है, क्योंकि काली मंदिर के पास आयकर विभाग के दफ्तर से ठीक 200 मीटर के पास एक बैरिकेड पुलिस ने लगाई थी, उस बैरिकेड को तोड़कर यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आयकर दफ्तर के पास पहुंचे थे, तो इसे सफल प्रदर्शन कहा जा सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर युवा विधायक है, जो युवा विधायक कांग्रेस के विकास उपाध्याय
है वो भी नजर आ रहे हैं, उनके साथ तमाम जो उनके युवा समर्थक हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो न सिर्फ छोटे कार्यकर्ता बल्कि बड़े कार्यकर्ता और बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। अब कांग्रेस भवन की ओर, जो पुराना कांग्रेस भवन है गांधी मैदान में, जहाँ पर घेराव के पहले एक सभा हुई थी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने उस सभा को संबोधित किया था। इसके अलावा जो तमाम कांग्रेस के विधायक है उन्होंने भी सभा को संबोधित किया था। तो उसके वही की ओर अब जो पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दल है वो आपस उस तरफ जा रहा है। लगभग समाप्त अब कांग्रेस का घेराव यहाँ पर नजर आ रहा है। हेमंत, आपने तस्वीरों में देखा और अभी जिस तरह से महापौर से भी बात हुई, आपने बात की, उनका साफ तौर पर कहना था शांति रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है, कोई तोड़फोड़ कुछ नहीं है, बैरिकेड्स यहाँ पर तोड़े गए हैं, पुलिस प्रशासन लगातार रोकने का प्रयास कर रही थी, अब इन पर किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? जिस तरह से उन्होंने महापौर ने तो कह दिया, पर यहाँ पर जिस तरह की चीजें उन्होंने की है उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या वहाँ पर कोई प्रशासन का मौजूद है जिनसे आप बात कर सकते हैं? देखिए, प्रशासन की ओर से यहाँ पर जो एसटीएम है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वहाँ पर कार्यकर्ताओं की कितने लोगों की यहाँ पर स्वमित्व गिरफ्तारी की गई है उसकी वो संख्या वहाँ पर गिर रहे हैं, काउंटिंग वो कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं एडिशनल स्तर के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि हम जहाँ पर खड़े हैं उससे काफ़ी दूर में जो तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, इसलिए उनसे बात नहीं हो पाएगी। लेकिन एक तरीके से ये नियम रहता है कि अगर कानून को तोड़ा जाए तो उन पर जरूर कार्रवाई होती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन प्रदर्शन कांग्रेस का सफल यहाँ पर होता नजर आ रहा है। ऋतु, हम चाहेंगे तस्वीरें और पीछे की भी आप दिखाएं, अगर हो सके तो वहाँ पर जितने विधायक हैं कार्यकर्ता हैं और बात करने की कोशिश कीजिए। अब तो जिस तरह से वापस रुक कर रहे हैं, वो वापस रैली जो है पीछे की तरफ जा रही है, अब आगे क्या रुक रहेगा, उनसे बात करने की एक बार कोशिश कीजिए। हाँ जी, निश्चित तौर पर अब बातचीत हम करेंगे, कुछ विधायक यहाँ पर नजर आ रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। कुंवर सिंह निसार एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। अभी ये प्रदर्शन लगभग अब समाप्त हो रहा है, इसके बाद क्या रुख है आगे? इसके बाद पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है जो भी दिशा निर्देश देंगे उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे, लेकिन ये संघर्ष जारी रहेगी। अभी तो ये अंगड़ा ही आगे और लड़ाई है, ये देखेंगे। देखिए ऋतु, अभी कांग्रेस के जो विधायक है उनका कहना है कि ये सिर्फ जो है एक तरीके से पहला रुख है कांग्रेस का, इसके बाद भी लगातार लड़ाई और संघर्ष कांग्रेस का जारी रहेगा। अब यहाँ पर जो घेराव था कांग्रेस का वो समाप्त लगभग हो गया है और जो कार्यकर्ता हैं वो वापस गांधी मैदान की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद पीसीसी की ओर से जो भी दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को मिलेगा उसी के अनुरूप वो आगे बढ़ेंगे। चलिए हेमंत, आप लगातार बने रहिए, दर्शकों को तस्वीरें दिखा सकते हैं किस तरह का माहौल अब वहां पर है। ये महिला जिस तरह से ऊपर चढ़ी, अब उसको पुलिस वाले उनको उतारते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से हम बैरिकेड्स तोड़कर और जो नियम है उनका उल्लंघन करके यहां पर कार्यकर्ता कूदते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। हाथों में झंडे लिए नारे लगाते हुए कार्यकर्ता कई देर से यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 48 घंटे से ये लगातार कार्रवाई जारी है और जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है, तमाम चीजें निकल करके सामने आई, पर इनका विरोध यही है कि ये कार्रवाई रोकी जाए। और अब जो है भूपेश बघेल का अगला रुख जो है दिल्ली का रहेगा और वहां पर बात की जाएगी। आपको बता दें, रायपुर में लगातार कार्रवाई जारी है, मध्य प्रदेश और दिल्ली से अधिकारियों की टीम आई है और रायपुर और भिलाई में डेरा डाले हुए हैं और लगातार 48 घंटे से ये कार्रवाई जारी है और तरह तरह की चीजें निकल करके सामने आई हैं और उसके बाद भी जांच जारी है और अब तो सीबीआई ने भी इसका रुख कर लिया है। पर आपको बता दें प्रतिबंधित है, अभी फिलहाल कुछ पता नहीं कि एसबीआई इस पर जांच करेगी कि नहीं। और हमारे साथ लगातार हेमंत लाइव वहां से जुड़े हुए। हेमंत, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आप समाप्ति की ओर है कांग्रेस का घेराव, लेकिन हमारे साथ भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव हैं और जो वर्तमान में महापौर भी हैं उनसे बातचीत करते हैं। बड़ा प्रदर्शन आप जी
ये रायपुर की तस्वीरें हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता जो हैं वहां पर प्रदर्शनकारी हैं उग्र हो गए और लगातार यहां पर उत्पात मचाते हुए नजर आए हैं और बैरिकेड्स जो पुलिस ने लगाए थे वो भी इन्होंने तोड़े हैं। महिलाएं भी इनमें शामिल हैं या महिला कार्यकर्ता हैं जो ऊपर बैरिकेड के ऊपर चढ़ गई हैं या किनारे लगा रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं और लगातार पुलिस प्रयास कर रही है किसी को चोटें ना लगे, कोई घायल ना हो, परेशान ना हो, पर लगातार जिस तरह से विरोध प्रदर्शन जारी है, हमने तमाम कार्यकर्ताओं से भी बात की, उन लोगों का यही कहना था कि अभी तो हम लोग वापस जा रहे हैं पर प्रदर्शन हमारा जो है लगातार जारी रहेगा, हमारी मांगे जारी रहेंगी। और लगातार आपको बता दें जिस तरह से आयकर की टीम पहुंची है और कार्रवाई कर रही है, अब सीबीआई ने भी रायपुर में डेरा डाल दिया है और संभव है कि अब भूपेश बघेल भी दिल्ली के लिए रवाना होंगे और जिस तरह से प्रतिबंध लगाया गया एसबीआई के लिए रायपुर में, शायद हो सकता है वो प्रतिबंध लगा रहे, हटाया ना जाए। रायपुर में प्रदर्शन हो रहा है, लगातार कार्रवाई जो जा रही है, आईटी की कार्रवाई जा रही है यहां पर और जिसका कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें इसी बीच भूपेश बघेल का भी साफ तौर पर कहना था कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, उसी वजह से ये कार्रवाई की जा रही है और इसी का विरोध जो है वहां पर कार्यकर्ता कर रहे हैं। आपको बता दें वैसे तो प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की कार्रवाई चल रही है पर सबसे ज्यादा बड़ी कार्रवाई रायपुर और भिलाई में ही देखी जा रही है और तरह तरह की जानकारी निकल करके सिर्फ रायपुर और भिलाई से ही सामने आए। अधिक जानकारी के लिए शैलेश नितिन त्रिवेदी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश जी, जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, उग्र हो गए सारे कार्यकर्ता, किस तरह से देखा जाए इसे? हमने कल ही कहा था कि आक्रामक प्रदर्शन होगा और लोगों में बड़ी नाराजगी है, यदि जरूरत हुई तो दिल्ली जाके भी प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ जब भाजपा लगातार हार रही है, दंतेवाड़ा उपचुनाव हारी, चित्रकूट उपचुनाव हारी, नगरी निकाय हारी, नगर निगम हारी, नगर पालिका हारी, नगर पंचायत हारी, जिला पंचायत हारी, जनपद पंचायत हारी, ग्राम पंचायत, आप बता रहे हैं भाजपा हारी, मैं सारी बात आपकी मान रही हूँ, दर्शक भी देख रहे हैं, पर बात ये किस बात का डर है? आप तो बहुमत से सरकार भी आए ना, फिर क्यों डर? कोई डर नहीं है, ये बहुमत के कारण ये बौखलाहट है मोदी और अमित शाह की। छत्तीसगढ़ की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता के स्वाभिमान को चुनौती दी है मोदी और अमित शाह ने। हम भरपूर जवाब देंगे। अगर ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके छत्तीसगढ़ को डराना चाहते हैं तो हम छत्तीसगढ़ के लोग डरने वाले नहीं है। शैलेश जी, अब तो सीबीआई ने भी रुख कर लिया है, क्या लगता है प्रतिबंध जो लगा हुआ है अगर हटा दिया गया तो फिर क्या होगा? कोई भी एजेंसी आ जाए, जितना भी दुरुपयोग कर ले, जनता की आवाज को बंद नहीं कर सकते मोदी और अमित शाह। छत्तीसगढ़ की जनता का संदेश बहुत स्पष्ट है कि अब ये अत्याचार, अन्याय,
दबाव, डर, भय, आतंक और दहशत फैलाने की राजनीति छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आगे क्या रुख रहने वाला है आपका? अभी तो प्रदर्शन लगभग हम देखे समाप्त होने पर आ गया है, अब आगे क्या रुख रहेगा? हमारे वरिष्ठ नेता हमारे पार्टी का नेतृत्व तय करेगा और तय करके फैसला लेगा। आज जिस तरह से हमने प्रदर्शन देखा, आपके कार्यकर्ता हैं, महापौर वहां पर मौजूद थे, बड़ी तादाद में मौजूद थे, इस तरह से जिस तरह से यहां पर इन्होंने बैरिकेड्स तोड़े, धक्का मुक्की की, कई तमाम चीजें यहां पर सामने आई, क्या यही मैसेज जनता पे जाएगा? क्यों नहीं बैरिकेड तोड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस प्रदर्शन करना, विरोध करना, ये हमारा अधिकार है। हम तो पहले लड़े थे अंग्रेजों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हमने अपना संकल्प बहुत स्पष्ट दिखा दिया है। आपने संकल्प स्पष्ट दिखा दिया, आपका अधिकार है, पर यहाँ पर कोई घायल भी हो सकता है, चोटें भी आ सकती है, तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, जहाँ पर पत्रकार मौजूद हैं, कैमरामैन मौजूद हैं, वहाँ पर शेड गिरते हुए नजर आ रहे हैं, बैरिकेड्स। संभावनाओं के आधार पर ऐसी बातें मत करिए, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। उग्र तस्वीरें झूठ बोल रही हैं आप, मतलब तस्वीरें झूठ कह रही हैं ऐसा? उग्र आक्रामक लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा है और ये प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, हम करेंगे और लगातार करेंगे, जरूरत हुई तो दिल्ली में भी करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तस्वीरें रायपुर की हैं, जहां पर आईटी का छापा पड़ा और उसके बाद लगातार जो है कार्रवाई अभी भी जारी, 48 घंटे से ये कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद कांग्रेस ही अब उग्र हो गए हैं और यहां पर प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता कांग्रेसी जो है यहां पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन की ओर से भी टीम भी यहां पर मौजूद है, स्थिति को काबू में रखने के लिए प्रशासन भी यहां पर मौजूद रहा और कार्यकर्ता लगातार उग्र होते हुए भी यहां पर नजर आए। ये लाइव तस्वीरें हैं रायपुर की, तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और लगातार उग्र आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी साफ तौर पर मांगे हैं कि ये कार्रवाई जिस तरह से की जा रही है, ये बदले की कार्रवाई है और इसे रोका जाए, सरकार को अस्थिर करने का लगातार कांग्रेस आरोप बीजेपी पर लगा रही है और उनका कहना है कि अस्थिर करने के लिए इस तरह की साजिशें की जा रही हैं, इस तरह की कार्रवाइयां कराई जा रही हैं कि सरकार को अस्थिर किया जाए। कार्यकर्ता किस तरह से यहाँ पर उत्पात मचा रहे हैं और बैरिकेड्स यहाँ पर साफ तौर पर तोड़े गए हैं और उत्पात मचा रहे हैं। हेमंत हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ गए। हेमंत, क्या कुछ अपडेट्स अभी तक, किस तरह की तस्वीरें बयां कर रही हैं? अभी तो आपने कहा था कि प्रदर्शन लगभग खत्म होने को आ गया, पर हम लाइव तस्वीरों जो देख रहे हैं यहाँ पर, उत्पात लगातार जो है कार्यकर्ता मचाते हुए नजर आ रहे हैं। शायद हमारा संपर्क नहीं हो पाया, एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करते हैं हेमंत से। तस्वीरें रायपुर की हैं और एक बार फिर हेमंत बासा जुड़ गए हैं। हेमंत, ये तस्वीरें अभी की क्या बयां कर रही हैं, क्या ताजा अपडेट्स मिल रहे हैं? देखिए, लगभग समाप्त कांग्रेस का प्रदर्शन हो गया है और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अब गांधी मैदान की ओर वापस चले गए हैं। पुलिस कर्मी यहाँ पर जो बैरिकेड लगा था उसको अब निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन अब कांग्रेस का जो प्रदर्शन था, जो आयकर दफ्तर का घेराव होना था, वो अब यहाँ पर हो गया है और तमाम जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं वो वापस गांधी मैदान की तरफ बढ़े हैं। आगे क्या रुख होगा वो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश जी से बात की, उनका साफ तौर पर कहना था, जिस तरह से यहाँ पर तस्वीरों में हमने देखा बैरिकेड्स तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर इतना हल्ला मचा रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, हम शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा अधिकार है और हम करते रहेंगे। क्या वाकई में ऐसा था? देखिए, इसे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो तस्वीर सबको दिखाई दे रही है वो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शांत तरीके से प्रदर्शन नहीं हो रहा था। हालांकि ये लगातार हर प्रदर्शन में, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, हर प्रदर्शन में इस तरीके का नजारा देखने को मिलता है। कार्यकर्ता जोश में रहते हैं, उनको वो उनके जो तमाम पीसीसी कोर्ट से उनको निर्देश दिया गया था कि वो यहाँ पर धरने में और प्रदर्शन में पहुंचे,
निश्चित तौर पर वो अपनी जोश दिखाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। देखिए स्थिति और क्या बनी हुई, कितनी तादाद में अभी भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं और प्रशासन की तरफ से किस तरह का वहाँ पर रवैया देखा जा रहा है, क्या अभी भी वैसी स्थिति है, उन्हें रोका जा रहा है कार्यकर्ताओं को? नहीं, अब कोई कार्यकर्ता यहाँ पर जहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड लगाया था वहाँ पर नहीं है। कुछ दूरी पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जरूर हैं, लेकिन वो सब अब वापस, मैंने पहले बताया कि गांधी मैदान की उस तरफ जा रहे हैं। विशिष्ट अध्यक्ष मोहन मरकाम भी 5 मिनट पहले गांधी मैदान की ओर बढ़े हैं। वहाँ पर कार्यकर्ताओं से कुछ रायशुमारी वो जरूर कर सकते हैं कि आखिरकार आगे क्या प्लानिंग इस पर लेकर की जाए, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा भी बनता नजर आ रहा है। दिल्ली में भी इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो अब ये देखना होगा कि कांग्रेस का रुख आगे क्या रहता है इस पूरी आईटी कार्रवाई को लेकर। चलिए लगातार आप अपडेट्स लेते रहेंगे, आपसे नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तस्वीरें सीधी रायपुर की है। आईटी छापे के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी था और अब वापस रुख कर लिया, और उन्होंने प्रदर्शन लगभग समाप्त होने को है, सारे प्रदर्शनकारी वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता उग्र भी हो गए थे। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अलीराजपुर।